बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपका होस्ट मोहम्मद मुदस्सर सुल्तानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कारोबारी सच। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि लोकल डिस्टेंपर में कलर तैयार करने का तरीक़ाकार क्या है। आप लोगों को मालूम है कि लोकल डिस्टेंपर के अंदर दो या तीन कलर आते हैं, जैसे वाइट कलर हो गया, ऑफ वाइट कलर और ज़्यादा से ज़्यादा एश वाइट कलर। इसके अलावा लोकल डिस्टेंपर के अंदर कोई कलर नहीं तैयार करता। अगर आपने कलर तैयार करने होते हैं तो उसमें वाइट कलर डिस्टेंपर में हमने कलर तैयार करने होते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है, तो कलर बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होगी, तो आपको इस वीडियो में मुकम्मल मैं गाइड करूँगा स्टेप बाई स्टेप और आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ समझाऊँगा कि हम लोकल डिस्टेंपर के कलर किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों के लिए इजाफा कर सके और कारोबारी इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। जी तो नाज़रीन, टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि लोकल डिस्टेंपर के कलर तैयार करने के लिए हमें किन चीज़ों की, किन सामान की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले ये लोकल डिस्टेंपर हमें चाहिए होगा, उसके बाद ये ट्यूबें आप देख रहे हैं मेरे सामने टेबल पर पड़ी हुई हैं, तो आपको कोई सा भी कलर तैयार करने के लिए आपको इन ट्यूबों की ज़रूरत होगी, जो मार्केट से आपको 35 से 40 रुपए की ट्यूब मिल जाएगी आसानी से। तो इन ट्यूबों के अंदर 10 से 12 कलर होते हैं, आप इनमें से कोई भी कलर तैयार कर सकते हैं, मगर इसका तरीक़ाकार होता है कलर तैयार करने का। तो हर बंदा तो ये कलर नहीं तैयार कर सकता, तो अगर आपने डिस्टेंपर, लोकल डिस्टेंपर के कलर तैयार करने हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल तौर पर, यानी कि ये आप मेरे सामने डब्बियां देख रहे हैं, ये सारा प्रोसीजर मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोगों को मुकम्मल प्रैक्टिकल तौर पर मैं स्टेप बाई स्टेप हर कलर तैयार करके दिखाऊँगा कि कितना हमने डिस्टेंपर लेना है, कितनी उसके अंदर ट्यूब डालनी है। अगर आपने गाढ़ा कलर यानी कि डार्क कलर तैयार करना है तो वो उसका तरीक़ाकार क्या होता है, अगर आपने लाइट कलर तैयार करना है तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है, तो आपको स्टेप बाई स्टेप मुकम्मल गाइड करूँगा। सबसे पहले हम वाइट डिस्टेंपर को इन डब्बियों के अंदर डालेंगे, उसके बाद हम ट्यूब डालते जाएंगे और आपको लोगों को दिखाते जाएंगे कि कौन सी ट्यूब से कौन सा कलर तैयार हो रहा है। तो चलें नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, हमने डिस्टेंपर डब्बियों के अंदर डाल दिया है और अब हम स्टार्ट करेंगे कलर बनाना। तो सबसे पहले हमने जो कलर बनाना है वो एप्पल ग्रीन कलर बनाना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्रीन कलर, एप्पल ग्रीन कलर का टीका लेंगे हम।
जी। तो नाज़रीन ये थे वो कलर जो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं इन कलरों को। तो आपको मैंने प्रैक्टिकल तौर पर डिस्टेंपर के अंदर टेंटर डालकर दिखा दिया कि कौन से टेंटर से कौन सा कलर तैयार होता है, ताकि आप बआसानी से वो कलर तैयार कर सकें। क्योंकि जिस चीज़ का इंसान को इल्म होता है उस चीज़ में इंसान को नुकसान नहीं उठाना पड़ता, ना वक्त का और ना पैसे का। तो नाज़रीन ये हमने एप्पल ग्रीन की ट्यूब डाली है तो इसमें एप्पल ग्रीन कलर तैयार हो गया। रेड कलर की ट्यूब डाली है तो रेड कलर, अगर आप पिंक कलर तैयार करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप लाइट डालेंगे। तो यानी कि ये तमाम वो कलर हैं जो इन ट्यूबों से तैयार हो सकते हैं। तो ये आप लोगों को मैंने बतौरे सैंपल कलर तैयार करके दिखाए हैं। तो अगर आप लोगों ने पूरी बाल्टी तैयार करनी हो, यानी कि अगर जो लोकल डिस्टेंपर की बाल्टी होती है 22-24 केजी की, अगर आपने वो पूरी तैयार करनी है कलर में, तो आपने एक टेंटर पूरी बाल्टी के अंदर 22-24 केजी की जो बाल्टी होती है, आपने ये जो टेंटर है वो अच्छी क्वालिटी का लेना है। आपने हल्की क्वालिटी का नहीं लेना, क्योंकि उससे वो कलर तैयार नहीं होगा। अगर आप ये अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो आपका एक टेंटर से वो कलर तैयार हो जाएगा। अगर आपने डार्क कलर करना है, यानी कि ज़्यादा गाढ़ा कलर करना है, तो आप उसके अंदर दो ट्यूबें भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप लाइट रखना चाहते हैं तो आप थोड़ी कम ट्यूब डालेंगे तो उसका कलर लाइट हो जाएगा। तो अब आपको मैं बता दूं कि अगर आपने इन कोई से भी कलर में अगर किसी कलर को ज़्यादा डार्क करना है, तो उसके लिए ये एक ब्लैक कलर की ट्यूब होती है। ये आप ब्लैक कलर की ट्यूब देख रहे हैं। अगर आपने एप्पल ग्रीन को ज़्यादा डार्क करना है, आपने रेड को ज़्यादा डार्क करना है, या ऑरेंज या किसी भी कलर को आपने डार्क करना है, तो ये ब्लैक ट्यूब के चंद कतरे इसके अंदर डाल दें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, तो वो जो कलर होगा वो डार्क हो जाएगा। तो जी नाज़रीन, ये था वो तरीक़ेकार के हम ट्यूबों के ज़रिए, टेंटरों के ज़रिए डिस्टेंपर के कलर किस तरह तैयार कर सकते हैं। अब आप लोगों को ये जो डिस्टेंपर है, ये आपको थोड़ा थोड़ा लगा कर दिखाता हूँ कि कौन सी ट्यूब से कौन सा कलर तैयार हुआ है। तो जी नाज़रीन, हम दीवार के ऊपर यानी कि जो कलर हमने तैयार किए हैं, वो प्रैक्टिकल तौर पर आपको लगा कर दिखाने लगा हूँ, ताकि आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ समझ आ जाए कि कौन सा कलर तैयार हुआ है, तो आप बआसानी से वो कलर तैयार कर सकें। ये एप्पल ग्रीन ट्यूब से हमने ग्रीन कलर, एप्पल ग्रीन कलर तैयार किया है। यानी कि एप्पल ग्रीन ट्यूब डाली है तो इसका लाइट ग्रीन कलर तैयार हुआ है। तो ये हमने एमरेड ग्रीन कलर की ट्यूब डाली थी तो एमरेड ग्रीन कलर तैयार हुआ है, यानी कि डार्क ग्रीन कलर। ये हमने रेड कलर की ट्यूब डाली थी तो हमारा ये पिंक कलर तैयार हुआ है। ये ऑरेंज कलर की ट्यूब डाली थी तो हमारा लाइट ऑरेंज कलर तैयार हुआ है। तो ये हमने ब्लू कलर की ट्यूब डाली थी तो हमारा लाइट ब्लू यानी कि आसमानी कलर तैयार हुआ है। ये हमने ट्यूब डाली थी गोल्डन येलो, यानी कि ये हमारा येलो कलर, ऑफ वाइट कलर तैयार हुआ है। तो इसमें डाली थी हमने पर्पल कलर की ट्यूब तो इससे हमारा लाइट पर्पल कलर तैयार हो गया है। जी नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक था लोकल डिस्टेंपर में कलर किस तरह तैयार किया जाता है। तो काफ़ी भाइयों ने कमेंट वगैरह भी किए हुए थे, तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल प्रैक्टिकल तौर पर गाइड कर दिया, ताकि आप लोगों को बआसानी समझ आ सके। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो इसी तरह आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा नई नई इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर। अगर आप लोगों को इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।